नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के निधन की खबर ने उनके परिवार संग फैंस को सदमे में डाल दिया है। बताया गया कि आकांक्षा दुबे ने बनारस के एक होटल में अपनी जान दे दी और अब खबर सामने आने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है। इसी बीच एक्ट्रेस का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था। दोनों पवन और शिल्पी राज के गाने ये आरा कभी नहीं हारा में साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। यही एक्ट्रेस का आखिरी गाना भी है। आकांक्षा ने ये नया गाना आकांक्षा का 26 मार्च की सुबह ही रिलीज हुआ है। 26 मार्च को एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ऐसे में फैंस इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि कुछ ही घंटों पहले एक्ट्रेस को नाचते गाते देखा और अब उनके निधन की खबर काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। आकांक्षा की अगर बात करें तो आकांक्षा मशहूर एक्ट्रेस है। इसके अलावा आकांक्षा दुबे ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पर जो शेयर किया हुआ वीडियो था वो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक्ट्रेस हिलोर मारे गाने पर डांस कर रही है और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रही है। फैंस इस पोस्ट पर एक्ट्रेस के निधन पर शोक जाहिर कर रही हैं। इसके अलावा भोजपुरी स्टार रानी चटर्जी ने भी आकांक्षा के इस आखिरी वीडियो पर रिएक्ट किया है। जानकारी के मुताबिक सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल के में ही आकांक्षा ने अपनी जान ले ली। आकांक्षा ने वीर के वीर कसम पैदा करने वाले की टू नाम की फिल्मों में काम किया। साल 2021 में आकांक्षा का गाना तुम जवान हम लाइका ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ था और अब उनके निधन से फैंस को बड़ा झटका लगा है। तुनिशा शर्मा के निधन से फैंस अभी उभर भी नहीं पाए तो वहीं ऐसे में एक और एक्ट्रेस का यूं इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह जाना बहुत बड़ी क्षति माने जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि आखिरकार एक्ट्रेस ने क्यों ऐसा कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार आकांक्षा दुबे के निधन की जो सच्चाई है वो कब सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।